नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल BSC कैंपस स्टडी में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा बिहार ITI सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट कैसे चेक करना है, क्योंकि बिहार ITI सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट है जो यहाँ पे पब्लिश कर दिया गया है। ठीक है, पब्लिश कर दिया गया है, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीका से चेक करना है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बगल में एक छोटा सा बेल आइकन दिखेगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, बिहार ITI से रिलेटेड कोई भी वीडियो लाऊं तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए केवल मोटिवेट के लिए। और आपको किस तरीका का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए, या आपका सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट में रिजल्ट आपका नहीं होता है तो आप कमेंट करिए कि आप हमको क्या करना चाहिए, क्या थर्ड राउंड में आएगा या नहीं आएगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम यहाँ पे वेबसाइट की ओर चलते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट की ओर। और दोस्तों, आप वेबसाइट को ओपन नहीं करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सिंपल अपना फ़ोन का क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर सर्च करना है BCECE। ठीक है, BCEC सर्च करने के बाद आपको सिंपल जैसे कि आ चुका है। और सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपको जो सेकेंड लाइन वाला जो पोर्टल दिख रहा है, ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ ITI CAT 2019, तो आपको इस पर क्लिक करना है। दो बार क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीका से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, ITI 2019 प्रोविजनल सेट अलॉटमेंट फॉर सेकेंड राउंड इज पब्लिशेड। तो यहाँ पे पब्लिश कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको जो व्यू रिजल्ट दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ गाइज इस तरीका से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद आपको नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर फॉर ITI 2019 सेकेंड काउंसलिंग। ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ गाइज इस तरीका से पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ ट्रेड चुनना है, यहाँ पे रोल नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, यहाँ पे सिक्रेटरी कोड है ये जो यहाँ पे पेस्ट करना है, उसके बाद साइनिंग कर देना है। ठीक है, और आपके पास यदि जो पासवर्ड आप भूल गए हैं तो पासवर्ड यहाँ से पासवर्ड को आप फॉरगेट भी कर सकते हैं। तो गाइज कुछ ये था आज का इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे स्टूडेंट लोग बिहार ITI सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट के। तो फाइनली जो यहाँ पे इस तरीका से चेक करना है। आपको किसी तरीका का प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए, मैं उस कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो गाइज मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।